मेरे नबी पाक ने फरमाया तीन काम करो तुम्हें फायदा होगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने इसका तजर्बा किया इस हदीस का, और आप फरमाया करते थे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम जो मेरे नबी ने कहा हक और साची कहा है, हक और सच कहा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, सदका देने से माल जी क्या करने से, ये वादा है नबी पाक का, सदका देने से पैसे। अच्छा बताए ना जी मुझे 1000 में से 500 दे दिया तो बाकी कितने रह गए, तो हुजूर फरमा रहे हैं कम नहीं होते, 1000 दे दिया तो बाकी कितना बचा, नहीं भाई मेरे महबूब फरमाते हैं तो अल्लाह के रस्ते में एक दे वो तुझे 700 गुना करके वापस अता फरमाएगा। नबी पाक ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माजरत करने से इज्जत में कमी नहीं आती, माजरत करने से इज्जत में कमी, अल्लाह अकबर, माजरत करने से इज्जत में कमी। और हद कर दी मेरे हबीब ने, फरमाया तू रब की रिजा के लिए आजजी कर, तेरे नबी का वादा है अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा, तू झुक जा अल्लाह की रिजा, आजजी इख्तियार कर, सादगी इख्तियार कर, सादगी आजजी कर तुझे अल्लाह। एक दो बातें इसमें इरशाद, एक माजरत कर गलती हो जाए, और दूसरा पहले आजजी की बात सुने। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, सोए हुए थे, गुलाम भी पास आराम कर रहा था, मेहमान भी आए थे, गुलाम की ड्यूटी थी हर वक्त हजरत के पास रहना। अब सोए हुए देर हो गई, गुलाम बेचारा थोड़ा थोड़ा ऊँग आते आते सो गया, हजरत चिराग रोशन था कुछ लिख रहे थे, मेहमान बैठा था खादम सो गया, अब चिराग ना आहिस्ता आहिस्ता गुल हो गया, बुझ गया। हजरत उठे, बूढ़े आदमी थे चिराग सही करने, मेहमान कहने लगे हुजूर मैं ना कर दूं, मैं ना कर दूं, कहने लगे नहीं तुम मेहमान हो, मेहमान से खिदमत नहीं ली जाती। तो उसने कहा गुलाम को जगाइए, फरमाने लगे अभी तो बेचारा सोया है, और नींद से बेदार कर दूं। खुद गए उसमें तेल दोबारा डाला, बत्ती ठीक की, जलाई, वापस आ गए। वो मेहमान अब बादशाह का मेहमान भी तो को बादशाह ही होगा ना, कहने लगा हुजूर आप अपने काम खुद करते हैं, क्या लफ्ज है, क्या हुसन है, और दो जुमलों में क्या तासीर है। आप फरमाने लगे हाँ मैं अपने काम खुद करता हूँ, जब मैं गया था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और जब चिराग सही करके वापस आया हूँ तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूँ, मेरे अंदर कोई तब्दीली आई, मैं वही हूँ जो गया था। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने फरमाते मैं बैठा था, और अभी 3 दिन हुए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले जाहिरी को, मैं बैठा हुआ था, 2-3 बच्चियां आ गई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने के सामने आके बैठ के रोने लगी। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का बच्चियों रोती क्यों हो, तो कहने लगे आप खलीफा बन गए हैं, जब से हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ था हमारा जरिया मुआज ये था कि हमने बकरियां रखी हुई थी, आप रोज आते थे बकरियों का दूध धोते थे, हम पी भी लेती थी, बेच के गुजारा भी कर लेती, अब आप तो खलीफा बन गए कौन आया करेगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे तुम्हें पता है जो खलीफा होता है वो तो खादम होता है कौम का, मैं आया करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोजाना रोजाना उठते असर के बाद और जाते खलीफा होने के बावजूद उन बच्चियों की बकरियों को पकड़ते, दूध धोते, उनके घर में देके आते। हजरत फारूक आजम जब भी देखते तो कहते अबू बकर तू पीछे आने वालों के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल कर रहा है, बड़ा मुश्किल कर रहा है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु सूबे के गवर्नर थे, सादा सा लिबास पहनकर सादा सा बस स्टॉप पे खड़े थे, जहां से लोग अंदर दाखिल होते थे, जहां सवारियां बांधी जाती थी, आज हम अपने जुबान में उसे बस स्टॉप कहते, बाहर खड़े थे। कोई मेहमान आ गया किसी का, उसने देखा सादे से कपड़े हैं, खस्ता सी हाली है, उसने समझा कोई कुल्ली है शायद माजन, वो मुलाजम है, कहने लगा खादम इधर आओ, इधर आओ, आप करीब गए, कहने लगे मेरा सामान उठाओ। इमाम गजाली फरमाते जब तू इल्म पढ़ने बैठता है तो ये भी ख्याल करना तेरे अंदर तकब्बुर का बूटा ना लग जाए, आजी इख्तियार करना, आजी। सर पे रखा हुआ है सामान, हजरत सलमान फारसी ने गवर्नर साहब ने उस आदमी का मेहमान का सर पे सामान रखा और जा रहे। सुनो और गौर करो, जब जा रहे थे जो आदमी भी मिलता गवर्नर साहब हमें दे दे, मेहमान परेशान हो गए, कहने लगे हुजूर आप गवर्नर है, फरमाने लगे नहीं
ये तो मेरा दुनियादारी का नाम है जो इन लोगों ने रखा हुआ है, असल मेरा नाम वही है जो तूने लेके पुकारा है, असल नाम वही है। तूने कहा गुलाम इधर आ, आप फरमाने लगे पहले मैं एक यहूदी का गुलाम था, फिर रब ताला ने फजल किया तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया, रसूलुल्लाह का गुलाम हो, और जब मैं नबी पाक का गुलाम हुआ हूं तो इस सारे सूबे का इमाम हो गया हूं, तो असल तो मैं गुलाम ही हुआ ना। दूसरा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो आजजी से इज्जत मिलती है, तकब्बुर से इज्जत, वो जो बंदा झिझकता है ना तेरे नेड़े जाने से, तो कहता है मेरी बड़ी इज्जत करता है, वो इज्जत नहीं करता, शेर की इज्जत होती है कि खौफ होता है, बोले ना तो नहीं ना डर लगता, शेर का क्या होता है खौफ, इसकी इज्जत नहीं होती, तो दरिंदा है, दरिंदों की भी कभी इज्जत होती है, तो जो आदमी डंडे के जोर पर लटका के डंडा और वो लोगों से इज्जत करा रहा, तो भाई ये तेरी इज्जत नहीं है, तेरा खौफ है, इज्जत आजजी में है, इनकसारी में है। और दूसरा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्जत माफ करने में है, इज्जत किस चीज में है, बदला लेने में इज्जत, ये हकायक है, इज्जत बदला लेने, जिसने एक थप्पड़ के जवाब में दो मारे वो बाइज्जत नहीं, बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ी, हजरत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे खड़े, मेरे रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं जनाबे मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह सारी दुनिया कहती है हम इज्जत वाले हैं, हम इज्जत वाले, मन आज़ु इबादा का या अल्लाह, ए अल्लाह तू बता तेरे बंदों में इज्जत वाला कौन है, तो हजरत मूसा कहते हैं रब करीम ने फरमाया इजा कादरा गफारा, जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला हुआ करता है, जो ईंट के जवाब में पत्थर मार सकता हो, जो गोली के जवाब के अंदर 15 गोलियां मार सकता हो, लेकिन माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला है, इज्जत वाला है जो माफ करे। हजरत फखर जहां देलवी बहुत बड़े दरवेश थे, सिलसिला आलिया चिश्तिया का बहुत बड़ा नाम, और इस सूफी के आप हालात पढ़े तो रब करीम ने बड़ा ही नवाजा हुआ था, दिल्ली की जामा मस्जिद के खतीब, और इनकी करामत यह थी कि जो आदमी आके सामने खड़ा होता था ना उसे बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है, बताना नहीं पड़ता था, सामने आके खड़ा होता था तो हजरत हाथ उठाते थे, कहते थे अल्लाह ये बे औलाद है इसे औलाद अता कर दे, दूसरा आके खड़ा हुआ, खुशी नहीं हो रही आपको, दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरा आदमी उसने आके कहा दुआ के लिए सामने खड़ा हुआ, तो हजरत कहने लगे ए अल्लाह बीमार है, वो कहता मेरे दिल में बात थी मुझे बतानी नहीं पड़ी, इत्तकु फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बे नूर इल्ला, नबी पाक ने फरमाया मोमन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है।